पिशाच की रहस्यमयी कहानी, एक कुड़ी की पिशाच से मुलाकात। ये कहानी कई साल पहले की है, जब एक छोटे से गांव में एक कुड़ी नामक लड़की रहती थी। उसका नाम राधिका था और वह गांव की सबसे सुंदर और साहसी लड़की थी। उसके पिता एक किसान थे और उनका गांव ग्राम पंच के रूप में प्रसिद्ध था। एक दिन जब राधिका गांव की खेतों में जाने के लिए जा रही थी, तो उसे एक अद्भुत और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। राधिका, आवाज बोली, तुम मेरे पास आओ। राधिका चौंक गई, क्योंकि उसके आसपास किसी के बगीचे का कोई आवाज नहीं था। फिर उसने देखा कि आवाज एक पुराने वृक्ष की ओर से आ रही थी। राधिका ने धीरे धीरे वृक्ष की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहाँ एक सुंदर सी कुड़ी खड़ी थी। वह कुड़ी किसी अजीब तरीके से चमक रही थी और उसकी आंखों में अद्वितीय चमक थी। वह राधिका के पास आई और बोली, नमस्ते राधिका, मैं एक पिशाच हूँ और तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राधिका बिल्कुल घबराई हुई थी, लेकिन वह ने पिशाच की ओर ध्यान दिया और कहा, हाँ कृपया अपना सवाल पूछिए। पिशाच ने कहा, मेरा सवाल ये है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। राधिका थोड़ी देर सोची, फिर उसने कहा, हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। पिशाच की आंखों में खुशी की चमक थी और वह बोली, बहुत अच्छा, अब मुझे तुम्हारा मार्ग दिखाओ, क्योंकि मेरे पास एक सबसे मूर्ख पिशाच दोस्त चाहिए। राधिका के आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वह ने पिशाच के साथ दोस्ती करने का निर्णय किया था। वह ने पिशाच से माफी मांगी क्योंकि उसने उसे मूर्ख कह दिया था, और उसने पिशाच को अपने दोस्तों के साथ गांव में ले जाने की बात की। पिशाच ने राधिका की माफी कबूल की और उसे अपने दोस्तों के साथ गांव में ले जाने के लिए सहमत हो गए। राधिका के दोस्त और परिवार वीराने आवास में आश्चर्यचकित थे। राधिका और पिशाच के बीच दोस्ती का आरंभ हो गया और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। पिशाच ने राधिका को अपने रहस्यमयी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जिसमें अद्वितीय जादू और प्राकृतिक शक्तियां शामिल थीं। पिशाच के साथ बिताए गए समय के साथ राधिका ने उसके आदतों और आचरण को सीखा और पिशाच ने भी राधिका को अपने दुनिया का दर्शन कराया। एक दिन जब राधिका और पिशाच एक अद्भुत जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक गहरे गुफा का पता लगाया। जब वे गुफा में प्रवेश किए, तो वहां कुछ रहस्यमय चीजें देखीं। गुफा में वे एक पुरानी पुस्तक पाईं, जिसमें पिशाचों की जीवनी और उनकी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ लिखा था। ये पुस्तक उनके लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। इस गुफा के दीवारों पर चित्रित थे जादुमय पेंटिंग्स और पिशाचों के रहस्यमयी मंत्र। राधिका और पिशाच ने इन रहस्यों का पता लगाने का प्रयास किया। जंगल में गुफा के पास एक और खासी बड़ी रहस्यमयी चीज मिली, एक चमकदार मणि, जिसे राधिका ने अपने साथ ले लिया। यह मणि उसके जीवन को बदल देगी। गुफा से वापस आकर राधिका और पिशाच ने देखा कि उनका गांव एक ताकतवर राक्षस के अत्याचार का शिकार हो रहा था। वह राक्षस गांव के लोगों को परेशानी में डाल रहा था। राधिका और पिशाच ने मिलकर गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। पिशाच के जादू और राधिका के मणि की मदद से वे राक्षस के खिलाफ गांव वालों के साथ एक महायुद्ध का आयोजन किया गया, और राधिका और पिशाच ने बड़े साहसी तरीके से राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पिशाच की शक्तियों का सहारा लेकर राधिका ने भी अपने मणि का उपयोग किया युद्ध में बड़ी संख्या में राक्षसों के खिलाफ। राधिका और पिशाच ने एक बड़ी जीत हासिल की। राक्षस भाग गए और गांव में शांति की स्थापना हो गई। इस जीत के बाद गांव वाले राधिका और पिशाच की साहसी और उपकारी भूमिका की सराहना करने लगे। उनके बड़े सहमत होने पर राधिका ने गांव के लिए अपने जीवन के बदलाव का निर्णय लिया। पिशाच और राधिका के बीच की दोस्ती गांव के लोगों के लिए एक अद्वितीय उपहार बन गई।
और उनकी साथीता ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। अपने नए मित्र के साथ राधिका ने और भी अधिक जादू सीखना शुरू किया और उसके पास अब अद्वितीय जादू और शक्तियों का खजाना था। पिशाच ने राधिका को अपनी पिशाची दुनिया का और भी गहरा ज्ञान दिलाया और उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। इस कहानी के आखिर में राधिका ने गांव को अपनी नई प्राकृतिक जादू की मदद से बेहतर बनाने में मदद की और वह गांव की प्रिय बेटी बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दो अलग अलग दुनियों से आए दो व्यक्तियों के बीच की दोस्ती और सहयोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कैसे ये दोनों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है।